और चार पे ऐसे हम पूछ रहे नाली पैसे टीचर से भर गया पूरी पूरी करने वाले छोटे छोटे दुकान चलाने वाले लोगों की समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। हर साल अपने छुट्टी के लिए आप मुझसे रहते हैं, फिर चुनाव आता है, बाकी दिन आपको मैंने पूछा रहता है कि चुनाव के समय आप फिर से उसी को बोलिए। हम आपसे आग्रह करने आए कि ज्यादा दिन तक किसी को बना कर रखिएगा, सरकार आपके काम के प्रति बहुत रुचि नहीं दिखाई। सरकार प्रतिनिधि शिक्षा चुनाव करते हैं, कुछ साल का डर हुआ कि हमने ठीक से काम नहीं किया तो लोग बदल भी सकते हैं, हमारे खिलाफ निर्णय भी ले सकते हैं, तब लोगों को भय होगा, लोग ईमानदारी से आपकी सेवा करने का प्रयास करें। लेकिन ऐसा परिपूर्ण नहीं है, आप किया नहीं अस्तर, इससे हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, आखिर कितना देखने के लिए आ गई है। 15 साल आपने देखा है, उस तरह से लाल पर्सन आपका 1990 से लेकर 2005 जब पटना की मुख्य सड़कों पर लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी निकलती थी तो दुकानदार भाई अपना सदर दिया लेते थे, पत्ती में जहाँ से दूर तक भाग रहे थे, पता नहीं कब क्या फैसला होता, कोई ठिकाना नहीं आता। बच्चा जब घर से जाता था ये स्कूल के बाद वापस लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, इस बात को लेकर भी भाई के लोग चिंतित होते हैं। उसी स्थिति से निजात के लिए आप सब लोगों ने वोट किया और बदलाव हुआ, एक हुआ भी 15 साल पहले। अब 15 साल से जितनी सरकार निभा रही है, लगातार आपकी परेशानी बढ़ती आ रही है, बढ़ती हुई है। हमने देखा है जो बड़ा बड़ा घर बनता है लोगों में चोरी करती है पटना शहर में, उसके लिए बाजार होते हैं, रक्षा पास कराना पड़ता है, जो बाजू पड़ता है रक्षा पास कराना पड़ता है। ये तो सरकार की ओर से आदेश स्वीकार जो नया बाजू चलाने वाले हैं, अभी किसी का रक्षा पास नहीं है, बाजू चल भी गया लेकिन 1-2 साल तक उस बाजू को स्वीकृति नहीं हुई, काम काम सफाई के लिए महीना 2 महीना से ज्यादा कर रही, जो काम महीना में हो सकता है सरकार की कठोरता के चलते 1-2 साल तक आप पीछे रह गए। आगे किस तरह से आपकी समस्या का हल निकले भाई बोल रहे हो, जब मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव की पहली बार उसके बाद बिहार में और बिहार से बाहर जाकर भी यूनिवर्सिटी की मुंबई में जाकर भी रहा कि बाहर के जो उद्योगपति हैं जो पैसा निवेश करना चाहते हैं उनके लिए हम निमंत्रण उनको देते हैं कि बिहार में आए और अपना उद्योग लगाए। बाहर के लोग को उद्योग लगाने से है बिहार के लोग जो छोटा छोटा उद्योग लगाए उसे फायदा लगाना चाहते हैं, उनकी छोटी समस्या है उसका भी निदान समय पर नहीं होता। सरकारी कार्यालय में पढ़ते आते हैं और निदान नहीं होता, कई बार निदान होता ही है तो सरकारी कार्यालय में बिना घूस लिए हुए बिना रिश्वत लिए हुए एक काम नहीं होता। फिर से कहा कि हमारे तो भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करे, लेकिन तमाम सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार पहले से 4-5 गुना है। नीतीश जी जाने के बाद भी नहीं इससे हम आपके सामने आए हैं कि 15 साल उनको भी देखा, 15 साल आपको इनको भी देखा, जो बदलाव का अपेक्षा लक्की थी बदलाव नहीं हुआ, इससे 15 साल आपकी कितना जिम्मेदारी है, 15 साल में आप इनको
आउट में कर दिया, 20 साल पे कंसर्न नहीं होता, उन 20 सालों में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं हुआ, 20 साल इतना लंबा समय, 20 साल पहले किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा, इन 20 सालों में वह बच्चा पूरी बच्चे बच्चों का बाप बन गया, लेकिन इन 20 सालों में बदलाव नहीं हुआ, सरकारी स्कूल में शिक्षा कभी नहीं है, अस्पताल बिहार भर में कभी भी जब बीमार पड़ते हैं तो पीएमसीएच से आते हैं, पटना के पीएमसीएच से इलाज है, कभी लोगों के लिए उचित आवास पर कुछ उपाय नहीं, राज्य की सरकार ने पंद्रह वर्षों में पीएमसीएच की स्थिति को नहीं ठीक कर सकी, नहीं ठीक कर पाए उसकी स्थिति, तो फिर बिहार भर में सरकार ने छपाल इसी बात से पानी आए हैं कि स्वास्थ्य का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, लोगों के लिए रोजी रोटी रोजगार का सवाल हो, हर तरह से कोई लोगों का सवाल हो, छोटे छोटे लोगों का भाई का सवाल हो, तमाम सवालों को प्रगति की सरकार को उत्तर का चाहिए राज्य की सरकार ने ठीक किया, आपके पीछे है नौजवान आदमी है, एक छोटा सा टीवी के रूप में उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके बताया है कि कितना कुछ कर सकते हैं दीपक जी, एक छोटा सा टीवी के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, विद्यार्थियों ने इस चुनाव में कृपा कर दी, हम सब लोग मिलकर इस राज्य का जितना विकास पहले नहीं हुआ होगा इसलिए आप सब लोग चाहते हैं कि संपूर्ण देखा तो आह्वान दीपक मेहता को देखे एक बार, हमारे गठबंधन को देखे एक बार, पंद्रह साल यदि आप बड़े भाई को मुख्यमंत्री बनाकर चाहते हैं दे सकते हैं, पंद्रह साल मझे भाई को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो फिर उनके साथ छोटा भाई से पांच साल आपसे मांगने की जाए, पांच साल के लिए पांच साल में हम सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, इसे आप सब लोग साथ रहे इसका बदलाव करिए, यहाँ से दुकान बताती है इनका चुनाव चिन्ह छात्र पंखा छात्र पंखा पंखा जो चलता है आप रोज देखिए, पंखा जब चलता है नहीं देखा नीचे बैठा हुआ व्यक्ति किस जात का है किस धर्म का है, सबको बराबर हमारे देने का काम करता है, हमारा जो गठबंधन है यह गठबंधन भी उसी तरह का है, समान भाव से सबको देखने का काम हमारा गठबंधन आत्मा से करेगा, हमारे गठबंधन में पहन मायावती जी का भी आशीर्वाद हमारे खिलाफ है, वैसी साहब का सेवन के खिलाफ है, चौहान साहब का सब लोग का साथ है, इसे आप सब लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलकर एक बार आशीर्वाद दीजिए अपने बाल बच्चों की तकलीफ को बदलने के लिए, इस बिहार को बनाने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, नया पटना सेंटर पटना बनाने के लिए, एक बार सब लोग मिलकर दीपक जी को बोलकर चाकू साथ बदलाइए और भारी मतों से हिंदू जनता को
और